हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर पर्सनल इंग्लिश कोच दिव्यम हियर। और इस वीडियो में हम समझेंगे एक्ट 3 सीन 3 ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सीन 3 कहां पे होता है? वो उसी आइलैंड पे होता है जहां पे फर्डिनेंड, मिरेंडा, प्रोस्पेरो, एरियल ये सभी मौजूद थे एक तरफ, जहां पे श्रिंक्यूलो, फिर स्टीफेनो और कैलिबान मौजूद थे कहीं और, एंड दिस इज सम अदर पार्ट। आइलैंड बहुत बड़ा सा है और अलग अलग हिस्सों में अलग अलग लोग मौजूद हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द टेम्पेस्ट विच वॉज प्लान्ड बाय प्रोस्पेरो। किस लिए प्लान किया था प्रोस्पेरो ने ये टेम्पेस्ट? रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि प्रोस्पेरो को एंटोनियो ने अलोंसो के साथ मिलके उसके किंगडम से धकेल दिया था एक सी में, और न पानी था न उसमें खाना था, बस समुद्र में छोड़ दिया था उस जहाज को। और प्रोस्पेरो लैंडेड इन अ मैजिकल आइलैंड एंड ही लर्न्ड मैजिक। और फिर 10 साल के बाद प्रोस्पेरो ने सोचा कि चलो आज रिवेंज लेते हैं। प्रोस्पेरो ने टेम्पेस्ट की रचना की जिसकी वजह से ये बड़े बड़े लोग शिप में तैनात थे और शिप तहस नहस हो गई, लोग पानी में डूब गए। और अकॉर्डिंग टू प्रोस्पेरोस प्लान वो उसी जगह पे डूबे थे जिसके नज़दीक में शोर था, सो दे कैन ईजिली स्विम एंड कम टू द आइलैंड। सो लेट्स बिगिन विद सीन 3। ये उसी आइलैंड पे है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी मौजूद थे, और अगर आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो उसमें होता यह है कि एंटोनियो और सेबेस्टियन दोनों प्लान बनाते हैं कि चलो अब अलोंसो को मार दिया जाए, गोंजालो को मार दिया जाए, ताकि सेबेस्टियन राजा बन सके। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है प्लीज़ आप देखिए, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। ओके, सीन 3 हैपेंस इन अनदर पार्ट ऑफ आइलैंड। लेट्स बिगिन विथ गोंजालो। क्या कहता है गोंजालो? गोंजालो कहता है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं अभी नहीं चल सकता, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, हम एक भूल भुलैया में भटक रहे हैं। इफ़ यू डोंट माइंड मुझे बैठना पड़ेगा, मैं बहुत थक चुका हूँ। अलोंसो इज़ द किंग ऑफ नेपल्स। अलोंसो कहता है कि मैं आपको ब्लेम भी नहीं कर सकता, आप थक गए हो, आपकी उम्र हो चुकी है, मैं खुद भी थक गया हूँ, तो मैं भी बैठना चाहता हूँ, चलो हम बैठते हैं और आराम करते हैं। अलोंसो गोंजालो को ये भी कहता है कि मुझे अब होप्स नहीं दिख रहे, मेरा बेटा 100% मर चुका है। सो टू गिव यू बैकग्राउंड, ये सब निकल पड़ते हैं फर्डिनेंड को ढूंढने के लिए और चलते चलते थक जाते हैं। अलोंसो को ये नहीं पता कि फर्डिनेंड आइलैंड पे प्रोस्पेरो के साथ है और वो फर्डिनेंड को खोजने के लिए निकले हुए हैं और वो थक चुके हैं। अलोंसो भी थक गया है, गोंजालो भी थक गया है। अलोंसो गोंजालो को कहता है कि जिसके लिए हम इतना भटक रहे हैं वो तो मर चुका है, हम ज़मीन पे उसे ढूंढ रहे हैं लेकिन 100% वो उस समुद्र में कहीं ना कहीं डूब चुका है, हमें गिव अप कर देना चाहिए और इसको भूल जाना चाहिए। एंड जैसे मैंने पहले बताया, एंटोनियो और सेबेस्टियन दोनों यहाँ पे विलन्स हैं। एंटोनियो और सेबेस्टियन ने इन वन ऑफ द सीन्स ऐसा प्लान बनाया था कि जब बाकी सब लोग सो रहे हो तो उनकी गर्दनें काट दी जाए ताकि सेबेस्टियन को किंगडम मिल जाए और वो राजा बन जाए। एंटोनियो ने सेबेस्टियन का ब्रेन वॉश किया था और वो करने ही जा रहे थे, तब एरियल ने सबको जगा दिया और उसके बाद गोंजालो ने कहा कि चलो यहाँ से निकल पड़ते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑलराइट, सो यहाँ पे एंटोनियो क्या कहता है सेबेस्टियन को कि सेबेस्टियन, अब एंटोनियो ऐसे बोल रहा है कि सिर्फ सेबेस्टियन को सुनाई दे, वो धीरे से कह रहा है कि मैं खुश हूँ कि बाकी सब लोग डिप्रेस हो रहे हैं, मैं खुश हूँ कि बाकी सब लोग गिव अप कर रहे हैं, देखो हमारा जो प्लान था उनको मारने का वो वैसे का वैसा ही रहेगा, तुम गिव अप मत करना जस्ट बिकॉज इट डिडंट वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अपना प्लान काम नहीं किया, नेक्स्ट टाइम काम करेगा, सेबेस्टियन कहता है। और वो इस तरीके से बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ एंटोनियो को सुनाई दे। सेबेस्टियन एंटोनियो को कहता है कि अगली बार मौका मिला
तो हम अपना प्लान एग्जीक्यूट करेंगे. व्हाट इज द प्लान? प्लान कुछ ऐसा है कि सेबेस्टियन अलोंसो की गर्दन काट देगा और उसे मार देगा. एंटोनियो गोंजालो की गर्दन काट देगा और उसे मार देगा. तो दोनों वेट कर रहे हैं कि कब सारे के सारे लोग थक के चूर हो जाएं और सो जाएं. फिर एंटोनियो कहता है सिर्फ और सिर्फ सेबेस्टियन को, दोनों साइड में होके बात कर रहे हैं. एंटोनियो कहता है कि चलो आज की रात हम अपना प्लान वापस एग्जीक्यूट करते हैं, और ये जो अपने साथ वाले हैं वो इतने थक चुके हैं कि वो केयरलेस हो जाएंगे, वो फ्रेश नहीं है क्योंकि उन्होंने काफ़ी ट्रैवल किया हुआ है. उसके बाद एक अजीब सी म्यूज़िक सुनाई देती है और प्रॉस्पेरो ऊपर से सब कुछ देख रहा है और वो इनविजिबल है, वो सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है. और ये दोनों अभी भी बात कर रहे हैं. सेबेस्टियन एंटोनियो को धीरे से कह रहा है कि हाँ अब इसके बारे में बात मत करो, हमारा प्लान फाइनल है, जब सारे के सारे लोग थक जाएंगे हम सभी को मार डालेंगे. प्रॉस्पेरो ऊपर से सुन रहा है और अलोंसो जो कि किंग ऑफ नेपल्स है वो सुन रहा है वो म्यूज़िक को और सबको पूछता है, दोस्तों क्या आपको म्यूज़िक सुनाई दे रहा है? सुनो सुनो कितना अच्छा म्यूज़िक बज रहा है. गोंजालो कहता है व्हाट अ मार्वेलस म्यूज़िक, कितना अच्छा म्यूज़िक बज रहा है. अब म्यूज़िक भी बजता है और म्यूज़िक बजने के बाद अजीबोगरीब शेप्स, अजीबोगरीब स्पिरिट्स आ जाते हैं और एक बैंक्वेट टेबल प्रिपेयर करते हैं और उसके इर्द गिर्द नाचते हैं, हंसते हैं और उन सभी लोगों को जो कि थके हुए हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं, और राजा को भी इनवाइट करते हैं, बाकी लोगों को भी इनवाइट करते हैं और वो खाने के लिए बुलाते हैं और सडनली गायब हो जाते हैं. अलोंसो कहता है हेवन हेल्प अस, ये क्या था, ये जो फिगर्स हमने देखे, ये स्पिरिट्स देखे, वो क्या था? सेबेस्टियन कहता है कि ये तो सिर्फ एक पपेट शो था जो हमने रियल लाइफ में देखा. अब मैं बिलीव कर सकता हूँ कि यूनिकॉर्न्स यानी कि एक सिंघा, अगर आपको पता नहीं है यूनिकॉर्न यानी कि इट्स अ हॉर्स शेप्ड एनिमल जिसका एक ही सिंग होता है, इट इज़ अ इमेजिनरी एनिमल. तो सेबेस्टियन कहता है कि अब मैं यूनिकॉर्न्स में भी मानने लगा हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि अरेबिया में एक ऐसा पेड़ है जहाँ पे फीनिक्स रहता है. ये सब माइथोलॉजिकल स्टोरीज है. सेबेस्टियन ने ये घटना देखी और फिर ये कहता है कि जो भी ऐसी फिक्टिशियस चीज़ें जिसके बारे में मैंने सुना था मैं उसको भी मानने लगा हूँ. एंटोनियो कहता है कि मैं भी, और एंटोनियो कहता है कि अब से वो सारी चीज़ें जो हम मानते थे कि डजन एग्जिस्ट, मैं कह सकता हूँ कि वो एग्जिस्ट करती है ये सब देखने के बाद. और एंटोनियो कहता है कि जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला है, और लोग उनको बेवकूफ़ मान सकते हैं लेकिन ट्रैवलर्स हैव नेवर टोल्ड अ लाई, जो ट्रैवल करते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते. गोंजालो कहता है कि अगर मैं वापस नेपल्स पहुंच गया और मैंने लोगों को बताया कि मैंने ऐसे अजीबोगरीब दृश्य देखे, जो मेरे सामने नाच रहे थे, जिन्होंने बैंक्वेट टेबल प्रिपेयर किया हमारे लिए, हमें इन्वाइट कर रहे थे, और गोंजालो कहता है कि ऐसे नेटिव्स, गोंजालो जो ये फिगर्स है उसको नेटिव्स मान रहा है यानी कि वहीं के रहने वाले लोग, तो वो कहता है कि अगर मैंने नेपल्स जाके लोगों को कहा कि मैंने यहाँ के नेटिव्स देखे जो ऐसे दिखते थे और वापस गायब हो गए और मुस्कुरा रहे थे, दिखने में वो मॉन्स्टर जैसे थे लेकिन फिर भी उन्होंने हमें इन्वाइट किया, वो सब किया, तो क्या नेपल्स के लोग मेरी मानेंगे? अगर मैंने लोगों को कहा कि मैंने ऐसे नेटिव्स देखे इस आइलैंड पे जो कि सबसे अच्छे थे, सबसे काइंड थे, तो क्या वो मानेंगे? प्रॉस्पेरो जो कि इनविजिबल है ऊपर से देख रहा है, सुन रहा है, वो खुद को कह रहा है और सोच रहा है कि माय गुड लॉर्ड आप सच बोल रहे हो, ये जो आपने देखा वो मॉन्स्टर होंगे लेकिन आप उनसे भी खराब हो, आप तो डेविल्स हो. अलोंसो कहता है, अलोंसो द किंग ऑफ नेपल्स कहता है कि मैं अभी भी बहुत सरप्राइज्ड हूँ, मैं अमेज्ड हूँ, मैं एकदम आश्चर्यचकित हूँ कि ये शेप्स, साउंड्स, जेस्चर्स जो हमने देखे
उन्होंने कुछ बयान नहीं किया, हमारे सामने आए और एक साइलेंट लैंग्वेज बोल के चले गए। प्रॉस्पेरो मनी मन सोच रहा है कि चलो अब जाने का समय हो चुका है। तो फ्रांसिस्को कहता है कि दे वैनिश्ड स्ट्रेंजली, सो बाय प्रॉस्पेरो एवरीथिंग दैट वॉज देयर, जितने भी शेप्स फिगर्स उन लोगों को दिख रहे थे, प्रॉस्पेरो ही कर रहा था वो सब कुछ, और इनविजिबल हो करके उसने वापस एक मैजिक ट्रिक करी जिससे कि वो जो भी कुछ दिख रहा था वो गायब हो गया। फ्रांसिस्को बोल पड़ता है, वो कहता है कि सब चले गए स्ट्रेंजली। सेबेस्टियन कहता है कि इट्स ऑल राइट, वो सब खाना छोड़ के गए हैं और हम लोग भूखे हैं, तो चलो आके हम खाना खाते हैं। अलोंसो कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं खाने वाला। गोंजालो जो कि एक ट्रस्टेड काउंसलर है राजा का, वो कहता है कि सर मैं तुमको अश्योर करता हूँ कि इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। गोंजालो कहता है कि ऐसी अजीबोगरीब चीज़ों में हम मानते थे जब हम छोटे थे, जब हम छोटे लड़के थे तो हम ऐसा मानते थे कि ये जो माउंटेन्स हैं उसके ऊपर कुछ ऐसे लोग रहते थे जिनके गले के आसपास बहुत ही थिक स्किन होती थी और उनकी जो थ्रोट्स है वो नीचे हैंग करती थी, और हम लोग ऐसे भी बातों में मानते थे कि देवर मैन विथ हेड्स इन देयर चेस्ट, जिनका सर उनकी छाती पे था। तो ऐसी अजीबोगरीब चीज़ों में हम मानते थे, और आपको भी मान लेना चाहिए कि ये सब हमारे सामने हो रहा है और खाना भी खा लेना चाहिए। अलोंसो मान जाता है और कहता है कि हो सकता है कि खाने में कुछ मिला हो, मैं खा लेता हूँ, इवन इफ दिस इज माई लास्ट सफर, सब ठीक ही है क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पार्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और फिर वो सभी लोगों को बुलाता है, वो कहता है कि ब्रदर्स, ब्रदर माई लॉर्ड ड्यूक, चलो मेरे साथ खाओ, हम खाना खाते हैं। फिर बिजलियाँ कड़कती है, आवाज़ें आती है, और फिर एरियल कम्स इन द फॉर्म ऑफ हार्पी। अब हार्पी भी एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, और क्लासिकल माइथोलॉजी में हार्पीज जो होते थे उनका जो बॉडी रहता था वो बर्ड्स का होता था और चेहरा एक विमेन का रहता था। वो जल्दी से उड़ जाते थे, वो क्रूएल भी थे, वो ग्रीडी भी थे। तो ये एरियल जो है एज वी नो वो प्रॉस्पेरो का एंजल होता है, और प्रॉस्पेरो के ऑर्डर्स के मुताबिक वो आता है एज अ हार्पी। फिर अपनी विंग्स को फड़फड़ाता है टेबल के ऊपर, और क्या होता है उसके बाद पूरा का पूरा बैंक्वेट जो खाना रहता है वो गायब हो जाता है। फिर एरियल बोल पड़ता है, और एरियल किसको कहता है, अलोंसो यानी किंग ऑफ नेपल्स, एंटोनियो और सेबेस्टियन को। अब ये तीन यहाँ पे विलन्स हैं। वो कहता है कि एरियल इज अ हार्पी एज यू ऑलरेडी नो, एरियल एज अ एंजल नहीं आया है, एज अ इंसान नहीं आया है, उसने अपने आप को डिस्गाइज किया है एज अ हार्पी, शरीर एक पक्षी का, चेहरा एक औरत का। तो वो क्या कहता है इन तीनों को, वो कहता है कि आप तीनों सबसे बड़े पापी हो, और आपके नसीब हैं जिसने आपको इस आइलैंड पे लाया है, इस आइलैंड पे कोई नहीं रहता इसलिए आपको यहाँ पे फेंका गया है, मैंने आपको पागल बना दिया है ऑलरेडी, और मैंने कुछ ऐसे लोगों को पागल बनाया है जो सह नहीं सके और उन्होंने खुद को मार दिया। अब ये जो हार्पी है वो ऐसी चीज़ें बोलता है, और ये सब सुन के सब अपनी अपनी तलवारें निकालने लगते हैं। और फिर एरियल कंटिन्यू करता है, वो कहता है कि तुम सब मूर्ख लोग हो, यू आर फूल्स, मैं और मेरे जो बाकी हार्पीज हैं वो तकदीर के ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, जो नसीब में लिखा है उनके ऑर्डर्स हम फॉलो करते हैं और वही एग्जीक्यूट भी करते हैं, आपकी तलवारें हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हमारे सामने इसको चलाने के बजाय आप हवा में चलाइए या तो फिर आप पानी में चलाइए, इट्स द सेम, आप हमारे पंख नहीं काट सकते अपनी तलवारों से।
मेरे दो साथी उतने ही इनवल्नरेबल यानी कि उतने ही पावरफुल हैं जितना मैं हूँ। आपके पास तलवार चलाने का पावर भी होता तो आपकी स्वॉर्ड्स बहुत है। जब आप हमारे ऊपर अटैक करते आपकी तलवारें बहुत भारी हो जाती। और फिर वो मुद्दे पे आता है एरियल एज अ हार्पी, इन सबको कहता है कि मैं आपको रिमाइंड करूं कि आपने प्रोस्पेरो का थ्रोन छीना है, आपने प्रोस्पेरो और उसकी इनोसेंसी बच्ची को समुद्र में सी में डाल दिया था और ये जो भी कुछ हो रहा है वो आपकी रिवेंज है। आपने एक गंदा सा एक हॉरिबल सा क्राइम किया था और कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो आपको पनिश करना चाहती हैं और उसी शक्ति ने सारे समुद्र में ऐसे कुछ क्रीचर्स छोड़े हैं जो आपको पनिश करेंगे। उसी शक्ति ने आपसे आपका ही बेटा छीना है और उसी शक्ति ने मुझे ऑर्डर किया है कि मैं आप सब लोगों को ख़त्म कर दूं। एक हायर पावर है, एक ऑलमाइटी है जो कि बहुत गुस्से में है, एंग्री हायर पावर। वो तैयार है आपको ख़त्म करने के लिए। सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उस हायर पावर से बच सकते हो। जस्ट बी सॉरी इन योर हार्ट्स फॉर व्हाट यू हैव डन। सिर्फ दिल से माफ़ी मांगो तो आप बच सकते हो, अदरवाइज सभी के सभी ख़त्म हो जाओगे। और फिर उसके बाद बिजलियां कड़कती है और एरियल वहां से गायब हो जाता है। एरियल के गायब होने के बाद कुछ शेप्स वापस आ जाते हैं, कुछ सॉफ्ट म्यूजिक बजता है, डांसिंग भी चल रही होती है और मॉकिंग जेस्चर्स, मजाक उड़ा रहे हैं वो जेस्चर्स। और मजाक उड़ाते उड़ाते वो वापस वो बैंक्वेट टेबल तैयार करते हैं। एंड प्रोस्पेरो जो है वो एरियल को प्रेज कर रहा है। प्रोस्पेरो कहता है कि तुमने वैसा ही किया जैसे मैंने तुम्हें कहा था। तुम फियर्स भी थे, ग्रेसफुल भी थे, तुम स्ट्रिक्ट भी लग रहे थे, लेकिन तुमने अपनी बातें बयां भी कर दी। जो भी मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा था वो तुमने कह भी दिया और उतना ही डिटेल से किया। मेरे बाकी सर्वेंट जो थे उन्होंने भी वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। मेरा जो जादुई पावर है वो फुल स्विंग में काम कर रहा है, मेरे मैजिकल पावर्स एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं और मेरे दुश्मन कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हैं और भूल भुलैया में भटक रहे हैं। वो अब मेरे शिकंजे में है, मेरे कंट्रोल में है और मैं उनको पागल बनाता रहूँगा। और मैं अभी जाके फर्डिनेंड को मिल के आता हूँ। और ये बुद्धू लोग समझते हैं कि फर्डिनेंड डूब चुका है, मैं उसी फर्डिनेंड को मिल के आता हूँ और देखता हूँ कि वो कितना मेरी बेटी को प्यार करता है। और फिर प्रोस्पेरो वहाँ से निकल जाता है। गोंजालो जो कि बूढ़ा है, जो कि एक काउंसलर है, वो अलोंसो को कहता है कि आप किसको घूर रहे हो, ऐसे किसको घूर रहे हो अलोंसो, क्योंकि सिर्फ अलोंसो सेबेस्टियन और एंटोनियो को ही प्रोस्पेरो दिखता है, सॉरी एरियल दिख रहा था एज अ हार्पी। और वो ये सब कुछ बोल के गया, राइट। सो अलोंसो कंप्लीट शॉक में है। गोंजालो देखता है कि अलोंसो शॉक में है तो वो उसे पूछता है कि आप किसको घूर रहे हो हवा में। अलोंसो कहता है कि बहुत ही हॉरिबल चीज़ देखी मैंने। अलोंसो कहता है कि ऐसा लगा कि बादल मुझसे बात कर रहे थे और ये जो हवाएं चल रही है वो कुछ गा रही थी और ये जो बिजलियां कड़क रही है लाइक एन ऑफुल ऑर्गन पाइप, वो बिजलियों ने प्रोस्पेरो का नाम लिया और वो जो नेचर है मदर नेचर वो मेरे क्राइम्स के बारे में मुझे बता रही थी और वो ये भी कह रही थी कि मेरे क्राइम्स की वजह से ही मेरा बेटा मर चुका है और मेरे क्राइम्स की वजह से ही मेरा बेटा इस समुद्र के नीचे जा चुका है। और ये जो भी कुछ हुआ मेरे सामने, मदर नेचर ने मुझे ऐसी वार्निंग दी है कि मैं भी इसी तरह मर जाऊंगा और मिट्टी में मिल जाऊंगा। फिर अलोंसो वहां से निकल जाता है।
सेबेस्टियन कहता है कि ये जितने भी डेविल्स हमें दिख रहे हैं ना, मैं एक के बाद एक सभी के साथ लड़ने वाला हूँ। एंटोनियो कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों लड़ेंगे। और फिर सेबेस्टियन और एंटोनियो वहाँ से निकल जाते हैं। गोंजालो कहता है कि ये तीनों, यानी कि अलोंसो, सेबेस्टियन और एंटोनियो, अब देखिए, इफ आई टॉक अबाउट द बैकग्राउंड, गोंजालो ने तो मदद करी थी, राइट? गोंजालो ने प्रोस्पेरो और मिरांडा की मदद करी थी। कैसे? कि जब एंटोनियो और किंग ऑफ नेपल्स ने मिडनाइट में प्रोस्पेरो और उसकी बेटी को इन द मिडल ऑफ द सी फेंक दिया था, तब गोंजालो ने ही तो बुक्स रखी थी, गोंजालो ने ही तो खाना रखा था, पानी रखा था, और उसी की वजह से ही तो प्रोस्पेरो इस आइलैंड पे आया था। तो अब गोंजालो क्या सोच रहा है यहाँ पे? वो कह रहा है कि ये जो है इतने दुखी हो चुके हैं, उनका गिल्ट फाइनली उनको खा रहा है एक पॉइजन की तरह, और फिर गोंजालो अपने ग्रुप में जो यंगस्टर्स रहते हैं उसको कहता है कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो तीनों लोग हैं वो पागलों जैसी हरकतें कर सकते हैं और ये उनका गिल्ट है जो उनसे ये सब करवा रहा है, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि उनको रोकें और ऐसी चीज़ें ना करने दें। एड्रियन करता है कि चलो इनको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये कुछ भी कर सकते हैं, और फिर दे ऑल एग्जिट फ्रॉम देयर। सो फ्रेंड्स, दिस इज द नेक्स्ट सीन, सीन 3 ऑफ एक्ट 3। इसके बाद एक्ट 4 है। मैं बहुत ही जल्द ये एक्ट 4 भी अपलोड करूँगा। अगर आपको डाउट्स या क्वेश्चंस हो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपका कोई सजेशन हो या रिकमेंडेशन हो अबाउट माई टीचिंग, आई विल बी हैप्पी टू हियर दैट एज वेल। आई थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक यू।